हे गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग, रेडी? चलिए, तो हमारा जून एंड जुलाई का यहाँ जो अभी हम सेशन कर रहे हैं, ये जून और जुलाई, क्योंकि कोविड का टाइम था तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ उसकी होती नहीं है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी हम अपने 20-20 यानी 20 जून 20 जुलाई इसमें पूरा जून और जुलाई दोनों निपट जाएंगे। ठीक, शुरू करें? रेडी हो गए? रुको एक सेकेंड, ज़रा देख लूँ सब सही चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एकदम सब बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर लेट्स स्टार्ट इट अप। और फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से रखना यार, एक काम करना, अपने आप पास में ना एक A4 नोट जरूर रखना, जिसके ऊपर जो भी मैं चीजें बताऊंगा आप उसको नोट करते चलेंगे। ठीक है, वट एवर आई बी टेलिंग यू आप उसको नोट करते जाएंगे, क्योंकि वो सवाल के साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फो होगी वो भी काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आइए सबसे पहले आ रहे हैं हम यहाँ पर, हु इज द इनकम्बेंट सेक्रेटरी टू रामनाथ कोविंद, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहली चीज तो अपने को ये पता चल गई, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको मालूम ही होगा, लेकिन अगर किसी वेग केस में नहीं भी मालूम है तो दिख गया यहाँ पर, संजय कोठारी, कपिल देव त्रिपाठी, शरद कुमार या केवी चौधरी। ध्यान रखना, मोस्टली लोग क्या है इसमें ना, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं यार, संजय कोठारी और कपिल देव त्रिपाठी में। एक्चुअली पहले क्या था ना, कई जगह आपको संजय कोठारी आंसर मिलेगा, करेक्ट आंसर इज कपिल देव त्रिपाठी। ये कौन है? ये हेड है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के, ठीक है, CVC के हेड है कोठारी जी, और करंट सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, हु इज ही, ये है आपका दिस वन, मिस्टर कपिल देव त्रिपाठी। आ जाइए, अच्छा एक काम करेंगे, जरा नंबर लिखते चलना अपने साथ में कि आपको नंबर कितने आ रहे हैं। हर करेक्ट आंसर 2 नंबर का है, छोड़ने पर 1 नंबर जाएगा। ठीक है, छोड़ने या नेगेटिव होने पर 1 नंबर जाएगा, बताते रहना बीच बीच में। हर 10 के बाद मैं पूछूंगा स्कोर कितना हुआ है। हर करेक्ट आंसर 2 नंबर का है और 1 आंसर अगर आप छोड़ते हो तो आपका छोड़ ठीक है, अभी आवाज आ गई, राइट? ठीक है, क्लियर? आइए, बढ़िया, चलिए अब एक सेकेंड रुक जाएंगे जरा, मैं आप इसको करेंगे, तब तक सार्क की मेंबर कंट्रीज बताइए, मैं कैम की बैटरी देख लूंगा। सार्क की नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज और कौन सी कंट्रीज है, मेरे को ये जानना है। मैम आपका बैटरी जो है ये अभी पैक चार्ज हो जाएगा, डोंट वरी। शुरू करते ही इतनी सारी बैटरीज लो हो गई हैं, रुकिए जरा, आई विल जस्ट चेंज द बैटरी पैक, यू गाइस कंटिन्यू। हां, एक मिनट का लैग आएगा बीच में, पॉज आएगा एक मिनट का। All good now? अभी सब सही है? I guess yes, everything is good now. चलो ठीक है, अभी शुरू कर रहे हैं वापस से जहां पर थे। तो हम बात कर रहे थे, रुकना, हाँ, सार्क की नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज कितनी है, तो ध्यान रखना सार्क में कितनी है, 8 मेंबर कंट्रीज हैं, लिख लेना जरा, सार्क में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, सार्क में देयर आर
एट मेंबर कंट्रीज, नाम जानने का आपको जरूरत खासा नहीं है, नाम जानने का आपको खासा जरूरत नहीं है। यह बात ध्यान रखना कि इंडिया जो है वो सार्क का मेंबर है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहां पर है? काठमांडू नेपाल में, और इंडिया जो है ये सार्क का मेंबर है। एक और चीज जो जाननी है, जो सवाल पूछा जाता है, क्या पाकिस्तान सार्क का मेंबर है? इज पाकिस्तान अ मेंबर ऑफ सार्क? कम ऑन, हां जी, क्या पाकिस्तान सार्क का मेंबर है? नहीं, राइट। पाकिस्तान जो है वो सार्क, सॉरी, पाकिस्तान मेंबर है सार्क का, चाइना मेंबर नहीं है। तो इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, आपको इसके अलावा और कुछ नहीं देखना, खाली नेबरिंग कंट्रीज देखनी होती हैं, ये है, और चाइना मेंबर नहीं है। क्या श्रीलंका मेंबर है? सारे मेंबर नहीं याद रखने, लेकिन जो हमारी जहां बाउंड्री टच हो रही है वो याद रखना है। बताइए क्या श्रीलंका मेंबर है सार्क का? कम ऑन जी, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, और भूटान भी है, अफगानिस्तान भी है, यानी बाउंड्री टच होने वाले ये सभी हैं, लेकिन चाइना नहीं है। क्लियर हो गया? चलो अगले सवाल के ऊपर आ रहे हैं, लेट्स कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे पास आ रहा है, हु हैव बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT। समझो इसका मतलब क्या होता है यार। पहली चीज तो इसका आपको आंसर बता सकता है कोई? जल्दी से बता दे। द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज मिस्टर KM प्रसाद। एंड एक, चलो मैंने हिंट दे दिया आपको, KM प्रसाद इज द आंसर। अब आप बताइए KM प्रसाद तो आंसर है। देन सतीश के गुप्ता, ये चेयर, दे हैव बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? ये वो बोर्ड है जो कि इंडिया में, भारत में डायरेक्ट टैक्सेस कितना कलेक्ट करना है, कितना क्या क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, उसको सेट करता है। तो कौन कौन से टैक्सेस होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस? पहला होता है इनकम टैक्स, नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल पूछता है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स आपका इनकम टैक्स, फिर आपका होता है गिफ्ट टैक्स, ठीक है, फिर क्या होता है आपका, इसके बाद क्या होता है आपका वेल्थ टैक्स, उसके बाद क्या होता है कैपिटल गेन्स टैक्स, बस ये चार टैक्स होते हैं यार। फिर होता है कैपिटल गेन टैक्स, अभी मैं समझा देता हूं कैपिटल गेन क्या होता है, पहले नोट कर लेना जरा जल्दी से। नोट कर लिया? ठीक है, देखो इनकम टैक्स आप ऑलरेडी जानते हो क्या होता है, गिफ्ट टैक्स का मतलब समझो होता क्या है। पहले क्या होती थी, कंपनीज क्या करती थी, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल घर वाले बोलते हैं सुबह सुबह घर से, सुबह शाम घर मुंह से सरस्वती निकलती, बात कही हुई सच हो जाती है, इसीलिए अपना एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लो मेरी तनख्वाह कितनी है, 2 करोड़ रुपए, ठीक है, मान लो मेरी तनख्वाह साल की 2 करोड़ रुपए है, ठीक है। अब क्या हुआ यार, अब हुआ ऐसा कि अब मैं अगर 2 करोड़ रुपए, पहले लोग क्या करते थे, ध्यान से सुनना, पहले कंपनीज क्या करती थी, अगर मेरी तनख्वाह, मैंने कंपनी से बोला मेरे को 2 करोड़ रुपए दो, तो फिर होगा क्या भाई, मेरे को टैक्स देना पड़ जाएगा, है ना, 10 लाख से ऊपर मेरे को 30% टैक्स देना पड़ता है, यानी साल का लमसम 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपीज मेरे को टैक्स देना पड़ जाएगा। मैं मोटा मोटा बात कर रहा हूं यार, टैक्स तो ये बहुत होता है 60 लाख रुपए, 30% लगता है 10 लाख के ऊपर, अब समझिए। अब हुआ क्या, मैंने कंपनी से बोला मेरे को क्या करो, ऐसा मत दो, मेरे को क्या करो, पैसा दो 20 लाख, 1 करोड़ का मेरे को घर दे दो, एक बार मुझे घर गिफ्ट कर दो, एक बार मुझे मर्सिडीज गिफ्ट कर दो मुझे, ठीक है ना। तो अब ऐसे करके मेरे हर साल 2 करोड़ रुपए एडजस्ट कर दिया करो, हर साल मुझे जमीन गिफ्ट कर दिया करो। तो अब हुआ क्या है, सरकार को भी लगा भैया ये आदमी तो चालाक हो रहे हैं, लोग हो रहे हैं चालू, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या किया, चाहे तो आप तनख्वाह ले लो या फिर आप गिफ्ट भी ले लो। कंपनीज बोलती थी हम गिफ्ट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, तो उन्होंने बोला गिफ्ट का जो वैल्यू निकलेगा ना, जो गिफ्ट का मॉनेटरी वैल्यू निकलेगा ना, हम उस पर भी टैक्स ठोकेंगे, और वो हम टैक्स उतना ही ठोकेंगे जितना कि हम किस पे कर रहे हैं, क्या किस पे कर रहे हैं, जितना इनकम के डाल रहे हैं उतना ही टैक्स हम इसके ऊपर भी लगाएंगे। कर लीजिए आप जो लेना है, ठीक है, गाड़ी लेनी है, जो भी करना है, गया सारा मामला। सेम चीज इन्होंने बोला वेल्थ के ऊपर भी हम यही करेंगे, अगर आप मान लो कुछ भी ऐसा जमीन अमीन खींच रहे हो तो भी हम यही करेंगे। फिर बोले अच्छा ऐसा है, फिर कंपनीज ने एक चीज सोची, यार एक काम करते हैं, इनको ध्यान से सुनना कि इन्होंने ये बात बोली कि कैपिटल गेन टैक्स में समझना क्या होता है। मान अब कंपनीज ने क्या किया, हमने स्टॉक दे दिया, कंपनीज ने सोचा यार हम गिफ्ट नहीं दे सकते, वेल्थ नहीं दे सकते, लेकिन एक मिनट मैं स्टॉक तो दे सकते हैं ना, हम कंपनीज ने स्टॉक देने शुरू कर दिए। स्टॉक्स में क्या हुआ, मान लो मैंने 100 रुपए का, ध्यान से सुनना, मैंने 100 रुपए का स्टॉक था, एक साल बाद क्या हुआ 150 रुपए का हो गया, 50% का फायदा मुझे एक स्टॉक पे हो रहा है। मान लो मुझे 1 करोड़ के स्टॉक मिले हुए थे, अब मैंने अपने स्टॉक्स बेच दिए तो मुझे 50% यानी 50 लाख का फायदा होगा। सरकार ने बोला हम इसके ऊपर भी टैक्स लगाएंगे, कैपिटल गेन टैक्स। तो यानी आपको जहां से भी जितना भी फायदा होता है, चाहे इंटरेस्ट है, चाहे बैंक की एफडी हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ी हो, तो रेंट के ऊपर जो फायदा आ रहा है सबके ऊपर कोई ना कोई टैक्स है। डायरेक्ट टैक्सेस की खासियत क्या होती है ये मैं समझा दे रहा हूं। डायरेक्ट टैक्सेस
बहुत ही ज्यादा जस्टिफाइड टैक्स होता है, यानी जो जितना ज्यादा कमाएगा वो उतना ज्यादा अदा भी करेगा। समझ गए? ये क्या होता है, जितना ज्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी आपके ऊपर टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा, जिसकी इनकम जितनी कम होगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर 5 लाख रुपए तक की कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है ना, इनकम टैक्स। और अगर आप 5 लाख से ऊपर जाते हो तो टैक्स लगना शुरू होता है। जो आदमी 1 करोड़ कमा रहा है साल का, वो लगभग 25 लाख के आसपास टैक्स देता है, ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। चलिए आगे बढ़े, समझ आ गया ना सब कुछ। ईयर ऑफ एप्लीकेशन तो मेरे को नहीं याद यार कि सिंस व्हेन एग्जैक्टली किस साल से है, ये तो मेरे को नहीं मालूम, ठीक है, क्यों अंदर का टैक्सेशन का पार्ट है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ रहे हैं। अच्छा, अगला सवाल हमारे पास आ रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वर्ल्ड बैंक ने, हमेशा वर्ल्ड बैंक क्या करता था ना, एक बताता था कि यार इतनी जीडीपी होगी, ठीक है ना। अभी जीडीपी की ग्रोथ क्या होती है, अभी मैं ये भी समझाता हूँ। जीडीपी, वर्ल्ड बैंक हैज प्रोजेक्टेड अ विंडो फॉर द फोरकास्ट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया। व्हाट इज द विंडो, ये विंडो कितनी है यार, बताएंगे कोई? 1.5 to 2.8%। आपका आंसर कमॉन। हाँ कमॉन, मैं देखिए अभी तक जो मैंने आपके, एक मिनट, आप कॉर्पोरेट टैक्स की बात पूछ रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, देखिए कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, मैं इंडिविजुअल टैक्सेस की बात कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज पर लगाते हैं, ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है, जो कि अब कर दिया गया है 25%, पहले 30% था, अब कॉर्पोरेट टैक्स की वैल्यू हो गई है 25%। चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अच्छा आप मेरी बात को सुनना, बहुत अच्छे। 1.5 to 2.8% जीडीपी का हो गया है। जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या होती है, आपने सुना होगा जीडीपी नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गई है, पहली बार भारत में जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव हुई, ये सारी कहानियां सुनी होंगी। समझो, मान लो क्या हुआ, ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल एग्जांपल में बताऊंगा। मेरा पूरा घर है, मेरा घर कौन सा है, जो मेरे घर की चार बाउंड्री है ना यार, ये जो मेरा प्लॉट है ना मेरे घर का, ये मेरी चार बाउंड्री है। इस चार बाउंड्री के अंदर यहां पर जितनी भी चीजें है, ये डिजिटल बोर्ड है, ये कैमरा है, ये पेन है, ये शर्ट है, सब कुछ है, ये चश्मा है, सब कुछ, पंखा, लाइट, बिजली, कुछ भी, बिजली तो खैर नहीं है, एंटिटी की बात होती, ऑब्जेक्ट होता है, एसी लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, जूते चप्पल सब कुछ, इवन बाथरूम की सारी फिटिंग्स भी, ठीक है ना, सब कुछ उठा लो, उन सब का मॉनेटरी वैल्यू यानी वो सब पैसे में कितना है वो निकाल लो, और अब क्या हुआ, यानी सारे गुड्स और सारी सर्विसेस का मॉनेटरी वैल्यू जो मेरे घर के, जो मेरे चार दीवारी के अंदर है, वो मेरे घर की जीडीपी हो जाती है, राइट? इसी तरीके से कंट्री का चलता है, कंट्री की जीडीपी होती है, यानी कंट्री की चार, जो कंट्री की बाउंड्री के अंदर जितना भी सामान, जितनी भी सर्विस की जो मॉनेटरी वैल्यू है, यानी अगर मैं उसको पैसे में देखने जाऊं तो कितना होगा, उसको बोलते हैं कंट्री की जीडीपी। अब यार एक बात बताओ, जीडीपी कभी नेगेटिव नहीं होती, जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव होती है, इस बात को ध्यान रखना। जीडीपी नेगेटिव कैसे हो सकती है यार, ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब जीडीपी नेगेटिव होने का मतलब पता है क्या होता है, कि मेरी चार दीवारी, मेरे घर की चार दीवारी, अगर मैं बोल रहा हूँ जीडीपी नेगेटिव है, इसका मतलब पता है क्या है, मुझे सामान रखने के लिए पैसा देना पड़ेगा, मेरे घर का सारा सामान रखने के लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक। जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव होती है, यानी कि यार एक बात बताओ, नेगेटिव तो होगी, आपने देखा कोविड टाइम पे सारी इंडस्ट्री से लेकर सब कुछ रुक गया था, रुक गया ना, तो जितनी जीडीपी थी अब क्या होगा, समझो, जो सर्विसेज अभी तक चल रही थी अब वो सर्विसेज रुक गई, यानी पहले जीडीपी कुछ थी, मान लो 100 रुपए थी, अब क्या हो गया, अरे यार अब वो 80 रुपए हो गई, परसेंटेज निकालने का तरीका तो आप मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई 2, न्यूमरेटर में नेगेटिव आ गया ना, इसीलिए ग्रोथ रेट नेगेटिव हुई है, जीडीपी नेगेटिव नहीं होती। बात समझ आ गई, जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव है तभी ना वो 100 से 80 हो गया, बस ये कहानी होती है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है, कोई डाउट तो नहीं है ना, ऑल गुड? एक सेकेंड रुकना जरा, चेक कर लूं यार सब कुछ ठीक चल रहा है। ओके चलिए, आप सुन पा रहे हैं ना प्रॉपरली, ठीक है, नेक्स्ट पे आ रहे हैं यार। अगला सवाल हमारे पास आ रहा है कि रिसेंटली विच टेक कंपनी हैज बॉट 9.99% स्टेक ऑफ रिलायंस जियो फॉर $5.7 billion। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, ये लगभग होता है 40,000 करोड़ रुपए का 10% स्टेक खरीदा। इसका मतलब समझो, किसने खरीदा, किस, कौन सी कंपनी है, करेक्ट आंसर इज फेसबुक। ये सब समझते हैं ना कि 9.9% स्टेक का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो यार इसका मतलब क्या होता है ये समझिएगा, वेरी गुड, नाइस।
वाह बहुत बढ़िया यार। YouTube पता है क्या कर रहा है? YouTube क्या कर रहा है, आप Facebook टाइप कर रहे हो तो वो कमेंट ही हाइड कर दे रहा है। गजब कंपटीशन है यार ये। आप Facebook टाइप कर रहे हैं तो वो ले ही नहीं रहा है, वो अपने आप उस कमेंट को हाइड कर दे रहा है। कंपटीशन देख रहे हैं तो फेसबुक। खैर इसका सही आंसर क्या है? फेसबुक। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? रिलायंस ने अपने आप को पूरा वैल्यूएशन यानी पूरी कंपनी कितने की है समझो। अगर एक बात बताना, अगर मैं किसी का 10% 40,000 करोड़ में खरीद रहा हूं तो पूरी कंपनी कितने की हुई यार? परसेंटेज आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पूरी कंपनी यानी रिलायंस कंपनी को अगर आप आज सुबह सोए बोले ऐसा है रिलायंस सोच रहा हूं खरीद ही डालू यार बहुत टाइम से मन हो रहा है मेरा, तो कितना पैसा देना पड़ेगा? इसके 10% की वैल्यू इतनी है जब फेसबुक ने खरीदा था तब, तो इसका 100% कितने का होगा? 40,000 करोड़ का क्या हो गया? 4 लाख करोड़। इतना पैसा देना पड़ेगा। इंडिया का रेलवे बजट होता है जाकर के 1 लाख करोड़ का। ठीक है चलें आगे। बढ़िया नेक्स्ट पे आ रहे हैं। पूरा 10 क्यों नहीं सर? अरे उनको नहीं बेचना होगा, अब हम क्या बताइए? अंबानी जी से पूछिए कि पूरा 10 क्यों नहीं बेचा। अब मैं थोड़ी ना था यार उस डील में, है मुझे कैसे पता होगा पूरा 10 क्यों नहीं बेचा। चलो द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज रिलीज बाय होम। यार कौन रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? ये रिपोर्ट पब्लिश है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। बताओ कि कौन करेगा? यार द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। राइट द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज IMF। किसका किसका सही है जरा ये भी बताते चलना जरा। अभी मुझे सही वाली चीज तो मुझे बहुत कम लोगों की दिख रही है, अब दिख रही है। हाँ और हेड कौन है? हेड कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जीवा। क्या नाम है इनका? हेड ऑफ IMF। इट्स एन इंपॉर्टेंट वन। SSC दिल्ली पुलिस इसके लिए खासा जरूरी है ये बात जो बताने जा रहा हूं। क्रिस्टीना जॉर्जीवा नाम लिख लीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा क्रिस्टीना जॉर्जीवा, नाम लिख लीजिएगा जरा। लिख लिया बढ़िया आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा एक और चीज समझना, एक और चीज समझना जरा यहां पर कि एक चीज आप ये समझेंगे कैसे बना। आपने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा, आपने IMF का नाम सुना होगा। सो व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स? क्या होता है यार इसको समझना। देखो इसको होता ये है, कहानी कुछ इसकी ऐसी है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा सा दिख रहा है ना? बढ़िया ठीक है। ए क्रिस्टीना गुप्ता नहीं है यार, ये कौन है? क्रिस्टीना गुप्ता वाला कौन है? अरे गुप्ता नहीं है यार, क्रिस्टीना जॉर्जीवा। अच्छा YT ने अपने आप ही हाइड कर दिया उस कमेंट को। कोई बोल रहा है क्रिस्टीना गुप्ता, गुप्ता नहीं है यार ये जॉर्जिना है। ठीक है चलिए। अच्छा हाँ समझना, 1944 में क्या हुआ? सब जब देश बैठे तो उन्होंने बोला एक कॉन्फ्रेंस, इसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम टेलिंग यू। आप ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ। कौन सा हुआ? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में दो ऑर्गेनाइजेशन बॉर्न हुई। कौन सी? वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है वर्ल्ड बैंक और IMF, ये कहां से बॉर्न हो रही है? ये बॉर्न हो रही है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से। कहां से? ब्रेटन वुड्स। ये देखो मैं साथ में ना आपको स्टैटिक भी कराता चलता हूं, इसलिए ध्यान से नोट करते चलना। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, राइट। सो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इनको बोलते हैं, दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक ही एक जगह पर सेमिनार हुआ, वहीं से दोनों लोग दोनों चीजों के बारे में सोचा गया और ये बॉर्न हुई। इनको बोलते हैं, इसीलिए एग्जाम में सवाल आया था 2015-16 दोनों में आया था, ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसको बोलते हैं? तो वर्ल्ड बैंक और IMF इनको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स ट्विंस, राइट। चलो आगे बढ़े। बहुत बढ़िया आइए, अच्छी बात है। नेक्स्ट पर आ रहे हैं, आगे बढ़े आ जाओ। क्रिस्टीना जॉर्जिना आओ। अच्छा ये ध्यान रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और उनकी पब्लिशिंग एजेंसी, इसमें से कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में मिलेगा। हाँ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में है, पब्लिश्ड बाय। ठीक है तो पब्लिश करा है इन लोगों ने, ये नाम आप देख लेंगे, ये सारे के सारे ऐसे हैं कि एग्जाम में पूछे जाने वाले, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है आओ आगे चलें। ओके ऑगस्ट PDF ऑलरेडी डाल चुका हूं, ऑलरेडी डाल चुका हूं। चलिए नेक्स्ट पर आ रहे हैं यार, यहां पर आते हैं। सो दिस ईयर विच कंट्री विल होस्ट दी G20 समिट शेड्यूल फॉर 21-22 नवंबर 2020? कौन सी कंट्री इस बार G20 समिट होस्ट करेगी? जल्दी से बताइएगा कौन सी कंट्री है वो। द करेक्ट आंसर इज G20 समिट कौन करेगा? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया विल बी होल्डिंग G20 समिट शेड्यूल फ्रॉम 21-22 2020। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 2012-14-15 तीनों में पूछा गया, भारत किसका मेंबर नहीं है? भारत
इनमें से किस जो राष्ट्रीय समूह है इनका मेंबर नहीं है? शुरू हो जाइए और आंसर बताइए, भारत इनमें से किसका मेंबर नहीं है? बताएं, कम ऑन, यूएसए क्यों? क्यों भैया, हाउ कम यूएसए? सऊदी अरेबिया है यार, यूएसए नहीं है। एक एक ने बोला तो सभी ने बोला, एक बार चेक कर डालो जल्दी से, एक बार चेक कर दो। इतने सारे लोग बोल रहे कि मैं भी सोच रहा हूं, अच्छा कुछ रशिया भी बोल रहे हैं। नहीं भाई, इधर उधर से क्यों देख के बता रहे हो? नहीं ना, नहीं ना। हाँ, वेल द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज यार G7 और G8, दोनों ही में भारत मेंबर नहीं है। भारत सिर्फ और सिर्फ G20 का मेंबर है, ध्यान रखना, ना ही G7 का मेंबर है, ना ही G8 का मेंबर है, सार्क का मेंबर है, और ना सार्क का मेंबर तो है ही है, सिर्फ इसका और इसका मेंबर है, ऊपर के दोनों का मेंबर नहीं है। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, वेरी गुड, आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आ रहे हैं। यहां पर आइएगा, विच नेशन हैज बिकम 30th मेंबर ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो? नेटो का 30th मेंबर कौन सा देश बना है? बताइए, पानी की जरूरत पड़ गई मुझे है। बहुत अच्छी बात है, चलिए ठीक है, चलिए बढ़िया 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 बढ़िया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मैसेडोनिया। मैसेडोनिया कहां पर, जहां से कौन था, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। सो ही वाज द सन ऑफ फिलिप ऑफ मैसेडोनिया। तो रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया ही बिकेम द 30th मेंबर ऑफ नाटो। आपसे दूसरा सवाल सुनना क्या आ सकता है, नाटो में कितने मेंबर कंट्रीज हैं? आपसे ये भी आ सकता है, नाटो में कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 30 मेंबर कंट्रीज हैं। क्या भारत नाटो का पार्ट है? ना जी, भारत नाटो का पार्ट ना है और ना हो सकता है अभी फिलहाल। क्यों? क्योंकि नाटो में सिर्फ और सिर्फ यार ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास जो कंट्रीज पड़ती है ना वहां पर। और नॉर्थ अटलांटिक ओशन कौन कौन से कॉन्टिनेंट के पास पड़ता है? पहला तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पास पड़ता है और यूरोप, इन दो कॉन्टिनेंट के बीच में पड़ता है ना नॉर्थ अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक ओशन एक एस शेप का ओशन है, जो कि ऐसे इसका शेप ऐसा है। तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप इसके बीच में, और ये अटलांटिक ओशन हो गया, ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक। तो जो ये नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज हैं, यानी जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन को टच करती हैं, इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन को नेटो बोलते हैं। तो भारत तो वैसे भी नहीं है, भारत में तो कौन सा इंडियन ओशन है, भारत तो वहां कहीं पर आएगा, यहां पर अटलांटिक ओशन में तो वैसे भी भारत नहीं लाई करता, इसीलिए नेटो का पार्ट इंडिया नहीं है, ऐसे याद रखेंगे। बात समझ आ गई है जी, वेरी वेल, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आ रहे हैं यार, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी ठीक है हर्षा, आपके सारे कमेंट्स पता नहीं मेरा जो ये है ये फ्लैग कर दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई। आओ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। सो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑफर्ड $1 billion टू द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन कोविड? ये बताइएगा, $1 billion यानी जानते हैं, बता चुका हूं ऑलरेडी, 7,000 करोड़ होता है, ठीक है ना, 7,000 करोड़। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक। आप ऑलरेडी इसका हेडक्वार्टर कहां है? वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, ध्यान रखना, डब्ल्यू से वर्ल्ड बैंक तो डब्ल्यू से वॉशिंगटन डीसी, याद हो गया, ठीक है ना। और एक और बात ये याद रखना कि यार, हाँ मैंने ऑलरेडी बताया वर्ल्ड बैंक और IMF ये क्या है, ये ब्रिटेन वुड ट्विंस है। दूसरी बात सुनना, वर्ल्ड बैंक का गठन क्यों हुआ था? जितनी भी मोस्टली ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक पैसा किसको देता है? आप बहुत कम सुनेंगे कि वर्ल्ड बैंक यूएस को एड दे रहा है, क्योंकि जितनी, या फ्रांस को एड दे रहा है या रशिया को एड दे रहा है वर्ल्ड बैंक, ना के बराबर सुनेंगे आप इसको। क्यों? क्योंकि जितनी भी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज, वर्ल्ड बैंक उन्हीं के लिए बनाया ही गया था, इसीलिए उनको एड देता है। समझ आ गई बात? चलो बढ़िया, अच्छा है अच्छा है अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। Which Indian cricketer has been appointed by PokerStars India as its new brand ambassador? Not a very important question, but ठीक है, एक बार ही देख लीजिए, कोई ऐसा बहुत important question नहीं है, answer बता दीजिए इसमें, क्योंकि यार जून जुलाई में कोई बहुत ज्यादा ऐसे हुए ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? माही, माही has been appointed as the PokerStars India new brand ambassador। जल्दी जल्दी करेंगे ठीक है। From which year onwards Asian boxing champions एक combined event हो गया है, men और women का combined event हो गया है, बताइए जल्दी से। यार ये कुछ नहीं है, पिछले साल हुआ, Asian boxing championship जो होता था ना, men और women का पहले अलग होते थे, दोनों के title अलग होते थे, अब ही combine कर दिया गया है। SSC में आने के chances कम है, railway में आने के chances इस वाले सवाल के हैं।
ठीक है, एसएससी ऐसे सवाल कम पूछता है, रेलवे पूछता है ऐसे सवाल। आगे आ जाओ, हु हैज विन द फॉर्मूला वन ईस्पोर्ट्स वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप 2020, किसने जीता? कम ऑन, ग्रैंड प्रिक्स, वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप, चार्ल्स लेक्लेयर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट, ये एसएससी में आने के चांसेस नहीं है, ये एसएससी में आएगा ही आएगा, चाहे सीएचएसएल में आए चाहे सीपीओ में आए, 100% आएगा, पक्की बात है। अब बोल दिया आएगा तो आएगा, ये भी समझ लीजिए। बढ़िया, हाँ हाँ, सचिन नहीं है, सचिन नहीं है, नहीं नहीं हिरेन हरेन, आपका सही है, आपका सही है, आपके कमेंट्स बिल्कुल आ रहे हैं, एकदम बढ़िया से आ रहे हैं सबके। चलो आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िया, लुई विटल वैलेरी ये सब कोई भी नहीं है इस बार। आओ नेक्स्ट सवाल पे चला जाए, चलिए यहां पर आ रहे हैं, हु हैज बीन नेम्ड एज अ लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड इन द 2020 एडिशन ऑफ विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक। दिस इज एन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल से दिया गया है, ये आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं, एंड आंसर इज बेन स्टोक्स। ही प्लेस फॉर विच कंट्री? कम ऑन, ही प्लेस फॉर विच कंट्री? बेन स्टोक्स, यार ये तो सबको मालूम होगा, ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि सभी को मालूम होगा ना इसका आंसर। गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नॉर्मली करंट अफेयर्स वाले चीजें मालूम होती हैं, विच इज अ गुड थिंग। आओ आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल के ऊपर आ रहे हैं, नेक्स्ट सवाल के ऊपर आ रहे हैं यहाँ पर, हु हैज बीन नेम्ड एज द विजडन 2020 लीडिंग वुमेन प्लेयर इन द वर्ल्ड, कौन है ये आंसर बताइए जल्दी से, लीडिंग वुमेन प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, एलिसी पेरी, एलिसी पेरी, और ये भी आपका एग्जाम में आने के चांसेस है, क्योंकि अगेन हालांकि कई लोग मिताली राज पे क्लिक करेंगे, ये इंडियन क्रिकेट टीम से, मिताली राज यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम में है, और लेकिन द करेक्ट आंसर इज एलिसी पेरी, 2020 लीडिंग वुमेन प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, आने के चांसेस हैं। ध्यान रखना एसएससी वुमेन सेंट्रिक क्वेश्चन काफी पूछता है, अगर किसी भी फील्ड में अगर वुमेन किसी ने भी अच्छा काम किया होता है तो सराहनीय काम होता है, तो ये पूछते हैं। चलिए अगले सवाल के ऊपर चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, विच मूवी वॉज डिक्लेयर्ड बेस्ट फिल्म तमिल एंड मूवी ऑफ द ईयर एट द क्रिटिक्स चॉइस फिल्म्स अवार्ड्स 2020। कम ऑन, ये बता ले जाएंगे, नहीं किसी का आंसर नहीं आया यार अभी तक, सुपर डिलक्स, सुपर डिलक्स, बस इतना याद रखेंगे, सुपर डिलक्स। सो क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड 2020 किसको मिला है? सुपर डिलक्स को, दैट्स इट। नेक्स्ट पे आए, what is the name of the person who created India's first coronavirus testing kit? किसने बनाया था? हमने ऑप्टिकल फाइबर भी बनाया था, तो यहाँ पर भी एक नाम आ चुका है, किसने बनाया था? The correct answer is मीनल भोसले, मीनल भोसले, मीनल दखवे भोसले, याद रखिएगा, आ सकता है। It's an testing kit जो है first Indian who made this। आगे, बढ़िया, आता है यार आप लोगों को तो। अच्छा ये बताना कितने सही हुए अभी तक, कितने सही हुए, नंबरों का तो हिसाब किताब आप नहीं रख रहे होंगे, स्टिल कितने सही हुए अभी तक? कम ऑन, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड, विच यूनियन टेरिटरी हैज नाउ इंट्रोड्यूस्ड डोर टू डोर एटीएम वैन समेट कोविड-19 लॉकडाउन, बड़ा बढ़िया हिसाब किताब है। सो ये कहानी कहां की है? पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ या जम्मू एंड कश्मीर? द करेक्ट आंसर इज एटीएम, यहां पर है चंडीगढ़ में। यहां पर क्या होता है, मोबाइल एटीएम्स की व्यवस्था करेगी कि आप कॉल करेंगे, नंबर है, घर घर आती रहेगी वैन, घर आएगी वैन, आप आराम से अपने पैसे निकाल लीजिए, वैन चली जाएगी, ठीक। सो दिस इज मोबाइल एटीएम, ताकि लोग बाहर ना निकलें, लॉकडाउन में करा गया था ऐसा, सो ब्रिलियंट स्टेप। चलो आगे बढ़ रहे हैं, तीन गलत, दो गलत, चार गलत, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। विद द एमलगेमेशन ऑफ स्टेट रन बैंक ओबीसी एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यार ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कैसे? देखो एचडीएफसी तो हो नहीं सकता। अच्छा ये बताना, क्या एचडीएफसी इनमें से कौन सा बैंक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है? इनमें से कौन सा बैंक एक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है? जल्दी से बताएंगे, बहुत जल्दी, कम ऑन, इनमें से कौन सा बैंक एक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है? क्विकली क्विकली, देखो करेक्ट आंसर इज इनमें से एचडीएफसी बैंक जो है वो नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, क्योंकि नेशनलाइज्ड बैंक वही बैंक होते हैं जो कि सरकारी होते हैं। पहली चीज तो ये, नेशनलाइज्ड बैंक का एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होता है कि नेशनलाइज्ड बैंक मतलब जहां पर जिसकी पूरी ब्रांचेस पूरे भारत में मौजूद हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर कोई बैंक सरकारी बैंक है तो हम उसको नेशनलाइज्ड बैंक की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। कोई भी प्राइवेट बैंक तो नेशनलाइज्ड बैंक हो ही नहीं सकता, ठीक। जैसे पंजाब नेशनल बैंक था, तो पहले पंजाब नेशनल बैंक किसने, लाला लाजपत राय ने फाउंड किया था, तो पहले वो प्राइवेट बैंक था, लेकिन फिर क्या हुआ, जब निजीकरण हुआ बैंक्स का,
राष्ट्रीयकरण हुआ, निजीकरण नहीं, राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, तो वो क्या हुआ, सरकार ने जब ले लिया तो वो नेशनलाइज बैंक बन गया। ठीक है, बात समझ आ गई, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, कई लोगों का मैं देख रहा हूँ कि इस वजह से इसमें प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं। तो खैर, अभी क्या हो गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओबीसी दोनों ही क्या है, पीएनबी में मर्ज कर दिए गए हैं। ठीक है, पीएनबी में मर्ज कर दिए गए हैं। अच्छा, वैसे सरकार के पास ना पैसा बड़ा ही भतेरा फालतू का पड़ा होता है। क्यों, पहले क्या करते हैं, पहले सरकार क्या करती है, पहले सारे बैंक को अलग 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 खोलती है। एक बैंक खुला था, भारतीय महिला बैंक, उसमें यह था कि हम सिर्फ वुमेन के लिए ये वाला बैंक खोल रहे हैं और यहां पर जो भी स्टाफ होगा मेजॉरिटी ऑफ स्टाफ वुमेन का होगा। ठीक है, बैंक चला, उसमें सब कुछ हुआ। एक बैंक खोलना आसान नहीं है, उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, बहुत सारा पैसा होता है, उसकी ऑथराइज कैपिटल होती है, उसकी पेड अप कैपिटल होती है, सब जमा करवाना होता है। फिर क्या हुआ, 7-8 साल बाद क्या बोलते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा ऐसा है, अभी हो गया बहुत सारा, अब हम ऐसा करेंगे, अब हम उसको मर्ज कर देते हैं, एसबीआई में मर्ज कर देते हैं। तो बनाना ही कहा था पहले, ऐसे ही क्या हुआ, 28 नेशनलाइज बैंक थे, 28 पहले बैंक पे बैंक खोलते चले गए कि बोले हम बैंक खोलेंगे। 28 नेशनलाइज बैंक हो गए, जब खूब सारे बैंक हो गए, अब बोले अभी बैंक बहुत खुल गया, अब हम एक काम करते हैं, अब हम सबको मर्ज कर देते हैं। काहे को पैसा बर्बाद करने का भाई, खैर पैसा हमारा आपका है, उनका तो है नहीं, क्या कर सकते हैं। चलो, करंटली हमारे डिप्टी गवर्नर सर दरिंद्र, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितने यहां पर डिप्टी गवर्नर्स हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज देयर आर 4 डिप्टी गवर्नर्स एंड 1 गवर्नर। ठीक, देयर आर 4 डिप्टी गवर्नर्स एंड 1 गवर्नर। द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज मिस्टर शक्तिकांत दास। ठीक, समझ में आ रहा है। और अच्छा, ये भी ध्यान समझना, इसका नेशनलाइजेशन यानी इसका राष्ट्रीयकरण, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला था अपने लिए, ये तो खोला था ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लिए 1949 में, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के अंडर में आया है, 1 जनवरी 1949 को। बात समझ आ गई, आरबीआई से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखें आगे बढ़े, आइए किसका आंसर, हाँ आ जाओ। अच्छा, ये सब ठीक है ना, समझ में आ रही चीजें यार, याद रहेंगी, याद रखना। ठीक है, अच्छा अभी टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको ये डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड समझाता। तो ये डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड जो है वो किस खेल से एसोसिएटेड है, यार ये एसोसिएटेड है क्रिकेट से, क्रिकेट से एसोसिएटेड है डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, ये आप जानते ही होंगे, कई बार ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा कि इस मेथड से, एक रीसेंट में बहुत, कौन सा केस हुआ था आप जानते होंगे, रीसेंट में ये बेसिकली डिसीजन देने का एक मेथड है, जब कभी भी ऐसा हो कि पता चला टाई में खत्म, टाई भी हो गया, उसके बाद क्या हो गया कि यार जितने और मेथड्स होते हैं विनर घोषित, या बारिश हो गई उसके बाद अब मैच नहीं हो सकता, तो ये मेथड है डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड, इसका इस्तेमाल करके बताते हैं विनर कौन है, लूजर कौन है। ये काफी क्रिटिसाइज भी हुआ था रिसेंटली, आपको मालूम होगा, रिसेंटली का मतलब एक साल के अंदर अंदर, हां जी, ये काफी क्रिटिसाइज भी हुआ था ये मेथड। कब हुआ था, कम ऑन, बहुत क्रिटिसिज्म मिला था इस मेथड को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वर्ल्ड कप, हाँ जी बहुत अच्छी बात है, वर्ल्ड कप में, राइट। आ जाओ यहां पर आते हैं, विच बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट रैपिड एट होम कोविड-19 स्क्रीनिंग किट, किसने किया है यार। ये एक एंटीजन किट्स होती है, एंटीजन किट्स पता है कैसे काम करती है, आपकी बॉडी में यहां पर जब अगर कोरोना वायरस अगर आपकी बॉडी में है तो बॉडी क्या करती है, एंटीजन प्रोड्यूस करती है, यानी एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन प्रोटीन होते हैं। तो ये क्या करती है, ये लोग कैसे बनाते हैं, इन्होंने देखा कि यार जब कोरोना वायरस किसी पेशेंट में गया तो उसकी बॉडी ने कौन सा एंटीजन रिस्पॉन्स पैदा किया है, क्योंकि हमारी बॉडी में अपनी इम्यूनिटी होती है। अब ये किट क्या करती है, सिर्फ उस एंटीजन को तलाशती है। ठीक है, ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, सिर्फ उस एंटीजन को तलाशती है। अब वो एंटीजन मिल गया तो क्या हुआ, सीधा सीधा इसका मतलब है आपके। तो जितनी भी ये गवर्नमेंट टेस्टिंग होती है ना, देखो दो तरीके की टेस्टिंग होती है, आपसे एक सवाल पूछा जाता है, हो जा सकता है कोरोना वायरस की टेस्टिंग के मेथड को क्या बोलते हैं, आरटीपीसीआर। ये इसका सबसे इफेक्टिव टेस्ट होता है आरटीपीसीआर, और ये महंगा होता है। अभी कुछ स्टेट में जैसे यूपी में क्या है, इसको अभी फ्री करा गया है, पहले ये 2,500 रुपए का था, प्राइवेट लैब्स में अभी भी है, बाद में फिर यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको 1,600 रुपए का करवा दिया, मैंडेटरी लैब्स को बोला कि 1,600 रुपए का करो, एक बंदे का टेस्ट पहले 2,500 रुपए का होता था, और ये दो बार कराना होता था, पहले ये चेक करने के लिए आप पॉजिटिव हो कि नहीं हो, अगर आप पॉजिटिव हो तो फिर 10 दिन दवाई चलेगी, फिर आप टेस्टिंग कराते थे कि आप नेगेटिव हुए हो कि नहीं हुए हो, उसके लिए 2,500 रुपए फिर देने होते थे, यानी 5,000 रुपए खाली आपको कोरोना को वेलकम करने और कोरोना को बाय बाय बोलने में आपको 5,000 रुपए आपको लगते थे पहले। अब क्या हो गया है, अभी 16 सितंबर से क्या हो गया यूपी में, एटलीस्ट मैं यूपी का जानता हूं, मैं यूपी में रहता हूं, कि फ्री हो गया है,
मतलब प्राइवेट लैब्स में चार्जेबल है, बाकी सरकार का ये है कि आप फोन करो, वो आएंगे और आपकी टेस्टिंग करके चले, आपकी टेस्टिंग करके रिपोर्ट ऑनलाइन आ जाएगी, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, तो ये RT-PCR होता है, इसका फुल फॉर्म अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, इसका होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, आई हैव नो आइडिया, भूल गया क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करके इसका कुछ नाम है, मैं बता दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। ये सबसे ठोस टेस्ट होता है, अगर आप में से भी किसी को एंटीजन टेस्टिंग में कोरोना वायरस की पुष्टि हो जाए तो ध्यान रखना ये चीज जरूर करना, समझ आ गई बात ना, ये RT-PCR जरूर करवाना, ये सबसे सही होता है। चलो, इसका आंसर क्या है यार, बायोन, इंडिया फर्स्ट रैपिड एट होम कोविड-19 टेस्टिंग किट किसने बनाई है, बायोन ने बनाई है। अच्छा जी, एक बात सुनना, ये लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, टेलीकॉम कंपनी हैज नेम हैनेकन सीईओ, ये इतना खैर इंपॉर्टेंट नहीं है अभी हमारे लिए, करेक्ट आंसर इसका वोडाफोन है। क्यों मैंने डाला ये सवाल समझना, वोडाफोन आइडिया का इस समय एक बहुत बड़ा बैटल चल रहा था, इंडिया का जो टेलीकॉम स्पेक्ट्रम है ना उसमें बहुत ज्यादा जद्दोजहद चल रही है। क्यों? क्योंकि जियो जो है ये एक अनचार्टेड मार्केट लीडर बन के इमर्ज हो रहा है। अब समझना कौन कौन से प्लेयर बाकी हैं टेलीकॉम मार्केट में, जियो, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, और वोडाफोन आइडिया, ये एक ही कंपनी है, वोडाफोन आइडिया इंडिया में एक ही कंपनी की तरीके से काम कर रही है ये। अब समझना, इनको टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की इनकी कुछ फीस बाकी थी, वो फीस कितनी बाकी है, 28,000 करोड़ रुपए इनके बाकी थे। इन्होंने सरकार से बोला या तो बंद कर दीजिए, या तो मुझे या तो ये पैसा माफ करिए, या इसको अदा करने के लिए मेरे को 20 साल का समय चाहिए। इसको बोलते हैं AGR केस। ये बहुत फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट का। ये अभी 2 महीने पहले या 1 महीने पहले रैप हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको 10 साल का टाइम दिया है। इनका शायद 35-40 हजार करोड़ रुपए बाकी था, इनका शायद 25,000 या 30,000 करोड़ रुपए बाकी था। अब समझना, अगर धोखे से इनमें से ये कंपनी अगर बंद हो गई, बताइए क्या होगा, डुओपोली आ जाएगी ना। डुओपोली में क्या होता है, ऑलरेडी जियो इज अ मार्केट लीडर, यहां पर क्या होगा, प्राइसेस राइज करने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल स्टीप राइज होगा प्राइसेस में। क्यों? क्योंकि कोई और प्लेयर ही नहीं है मार्केट में जो कि प्राइसेस, कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो प्राइसेस जिसका जो मन होगा वो प्राइसेस लेके जाएगा। इसीलिए क्या है, ये थोड़ा सा इसीलिए इंपॉर्टेंट न्यूज है कि वोडाफोन आइडिया की कहानी अभी चल रही थी। BSNL तो यार क्या ही बनाए, है ना, क्या है क्या नहीं है। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू प्रियंका, पॉलीमरेज, ओके ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट। सो ये प्रोसेस होते हैं बेसिकली, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक प्रोसेस है और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक सिंथेसिस का नाम होता है बेसिकली। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये जीन, अब अगर आपने बायो या बायोटेक के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, ठीक है, छोड़िए खैर, खाली फुल फॉर्म याद रखना। तो समझ में आ गया ना क्यों वोडाफोन के सीईओ का नाम डाला है, तो वोडाफोन के सीईओ का नाम क्या है यार, हाइनेकेन जीन फ्रांकोस वैन बॉक्समर, ये बड़ा, हाइनेकेन इज द सीईओ एंड जीन फ्रांसिस वैन बॉक्समर इज द चेयरमैन, क्योंकि वोडाफोन अभी अपना पूरा सिस्टम चेंज कर रहा है, बिकॉज वोडाफोन एक टाइम पर दुनिया में मार्केट लीडर हुआ करता था टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और आज वोडाफोन पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इनकी जो कंडीशन है, इनके जो फाइनेंसेस ये बहुत बेकार है इनके, बस ये कहानी है, ठीक है जी। चलो तो फिर बाय बाय करें। अच्छा अभी क्या है ना यार, मेरा लेक्चर है, ठीक है जी, तो अभी लेक्चर है 10 बजे, इसलिए मेरे को रोकना पड़ेगा। हमने 25 questions करे हैं, हमारा पूरा जून कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जून या जुलाई, रुको मैं बता देता हूं क्या कंप्लीट हुआ है हमारा, जून कंप्लीट हो गया यार, जुलाई में हम बस एंटर ही करे थे कि हमें रुकना हो गया, हम जून कर चुके हैं, हम जुलाई भी कर लेंगे इसके बाद, शाम को या कल ऐसा कुछ कर लूंगा, जून या जुलाई। अच्छा, इसकी जो कंप्लीट PDF है जून प्लस जुलाई की, ये मैं डाल दूंगा आपके टेलीग्राम पे, टेलीग्राम इस अमन SRB, नीचे लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अच्छा, शाम को, कल रात में नहीं हो पाया था, RRB NTPC का मोस्ट प्रोबेबली रात में 9 बजे साइंस और न्यूमेरिकल की क्लास होगी, रात में 9 बजे यहीं पर लैब पर ही होगी, दैट विल बी नाइट एट 9 PM। CHSL वालों के लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आपके में भी न्यूमेरिकल आते हैं, CHSL में भी न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है जी। सारी बातें समझ में आ गई सर, 15 को, हाँ PDF आपकी इसी पे आएगी, मैंने बताया ना, 15 PDF आपकी इसी पे आएगी, ठीक। और जितनी चीजें बताई एक बार रिवाइज कर लेना, क्लास के तुरंत बाद रिवाइज करोगे ना, बहुत कुछ याद रहेगा, ठीक है। चलिए तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू, टाटा बाय, ओके।